क्रिसमस और न्यू ईयर पर गुलाबी नगर पावड़ों से गुलजार नजर आ रहा है। राजधानी में पर्यटकों की रिकॉर्ड आवक देखने को मिल रही है। शनिवार को आमेर में 10,558 पर्यटक पहुंचे। हालात तो ये हैं कि सभी सरकारी और निजी होटल में 80% तक बुक हो चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गुलाबी नगरी एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार नजर आ रही है। महल से लेकर कनक घाटी और आमेर तक गाड़ियों की लंबी कतारें देखी जा रही है। आमेर हॉट डेस्टिनेशन बना हुआ है, वहीं जल महल, नारगढ़, जयगढ़, सिटी पैलेस, हवा महल, अल्बर्ट हॉल, जंतर मंतर, जालाना लेपर्ड सफारी और नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क देखने हजारों की संख्या में सैलानी पहुँच रहे हैं। खासकर गुजराती और दक्षिण भारत के पर्यटक जयपुर में इस बार ज्यादा आए हैं। माना जा रहा है कि 24 दिसंबर से 31 दिसंबर के सप्ताह के बीच जयपुर के अंदर पर्यटकों की संख्या 2 लाख से पार पहुंच सकती है। विदेशी सैलानियों का भी जोरदार आगमन देखने को मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जर्मनी के पर्यटक जयपुर में ज्यादा पहुंच रहे हैं। पूरे प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा हॉट फेवरेट डेस्टिनेशन के तौर पर जैसलमेर का नाम सबसे पहले आता है। जैसलमेर में चप्पे चप्पे पर पर्यटकों की चहल पहल दिखाई देती है। हजारों की संख्या में पर्यटक जैसलमेर पहुँच रहे हैं। इसके बाद जोधपुर, फलोदी, माउंट आबू, उदयपुर और रणथंबोर का नाम आता है। यहाँ की तमाम जो होटल हैं वो पहले से ही बुक है और 5 जनवरी तक होटलों में पैर रखने की भी जगह नहीं है। कहा जा सकता है कि मरुदरा सैलानियों से पूरी तरह आबाद है। साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि कोविड के बावजूद सत्र समाप्त होने तक 2 करोड़ पर्यटकों के जादुई आंकड़े तक पहुँच जाएंगे। उसके बाद प्रदेश एक बार फिर से पर्यटन के पायोनियर के तौर पर देश दुनिया में अपना नाम कमा सकता है। पर्यटकों को सितारा होटल में 2 गुनी कीमत पर भी कमरे नहीं मिल रहे हैं। वहीं पर्यटन निगम की होटलों में भी चहल पहल नजर आ रही है। क्रिसमस को लेकर राजधानी जयपुर, जोधपुर, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर, माउंट आबू, चित्तौड़ में भी काफी संख्या में पर्यटकों की आवक हो रही है। ट्रेवल ट्रेड में कोरोना का भी खास असर देखने को मिला है। इसे पर्यटन उद्योग की जीत माना जा रहा है। राजधानी जयपुर की बात करें तो पर्यटक जलमहल, कनक घाटी, नारगढ़, जयगढ़, आमेर और नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जालाना लेपर्ड सफारी सहित हर स्मारक पर पर्यटक की जोरदार आवक देखने को मिली है। पिछले 2 दिनों में ट्रेवल ट्रेड को मानो संजीवनी मिल गई हो। उम्मीद की जा रही है कि न्यू ईयर ईव के साथ ही आने वाला साल भी ट्रेवल ट्रेड के लिए जोरदार साबित होगा। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।